अब श्री देवचंद जी गांगजी भाई से प्रश्न करते हैं कि गांगजी भाई, इतने साल से तुम भी भागवत सुन रहे हो, यह तो बताओ, कांजी भट्ट वर्णन करते हैं कि 14 लोकों का ब्रह्मांड है, अष्ट आवरण का भी वर्णन करते हैं और ये भी बताते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो 14 लोक भी नष्ट हो जाना चाहिए और 14 लोकों के अंदर वैकुंठ लोक भी नष्ट होना चाहिए। फिर वैकुंठ निराकार से आगे का ज्ञान तो वो देते नहीं है। जब सुनी पार की बान तब भई धनी की पहचान। जब देवचंद जी के मुख से ऐसा अलौकिक ज्ञान सुनते हैं गांगजी भाई, तो उनको पहचान हो जाती है कि देवचंद जी तो मेरे बाद आए हैं। देवचंद जी से पहले मैं कांजी भट्ट से भागवत की कथा सुनते आ रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न बार बार मुझसे देवचंद जी करते हैं, लगता है कि ये ज्ञान तो कांजी भट्ट के पास भी नहीं है, इनके अंदर कोई अलौकिक स्वरूप है जो ये अलौकिक ज्ञान की बातें कह रहा है। अब जैसे जैसे पात्र देखते गए, देवचंद जी गांगजी भाई को अपना सारा भेद बताते गए, कैसे उमरकोट में उनका जन्म हुआ, बारात के पीछे पीछे जाते समय कैसे उनको राजी ने पहली बार दर्शन दिया, भोजनगर में चितवनी में दोबारा दर्शन हुआ और तीसरी बार इसी नौतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में कैसे राजी ने दर्शन दिया, उनके धाम बैठे जब पात्र देखा तब वो बताया।